वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की क्लास में हम लोग संधि के प्रैक्टिस क्लास को करेंगे जिसमें मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPPSC, BPSC, RO, ARO, UP SSSC या फिर कोई भी परीक्षा जहाँ पर हिंदी आती है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का संपर्क सूत्र दिया है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर ज्ञान सर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त @studyforcivilservices सर्च करके टेलीग्राम पे हमसे ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सेक्शन में जाकर उस बैच को परचेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। देखिए वाग्जाल, अब यहाँ पे देखिए बीच में ग आ रहा है, तो आपने जब पढ़ा होगा संधि के स्वरूप में, आपने व्यंजन संधि पढ़ा होगा, तो व्यंजन संधि में आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब कभी भी किसी भी स्पर्श व्यंजन का मेल पहले दूसरे तीसरे या फिर इसके अतिरिक्त किसी भी स्वर से होता है तो क्या होता है कि जो प्रथम व्यंजन होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए वाग्जाल लिखा है, वाग्जाल का मतलब क्या है, ये सच में ऐसा रहा होगा, वाग और प्लस में जाल है ना, तो ये जो क है क परिवर्तित हो गया है ग में, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये वाग्जाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शब्द अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ऐ है ना, अनु प्लस ऐ होगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो इसकी संधि आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। इसका सही संधि विच्छेद है अनु प्लस ऐ, ऑप्शन नंबर एक। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर आपके सामने ये चार क्वेश्चन दिए गए है ना, देखते हैं चार क्वेश्चन में क्या क्या। पहला है निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे गुण संधि है ना। अब गुण संधि को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से क्लियर कराया था कि गुण संधि क्या होते हैं, जब कभी भी आप संधि विच्छेद करेंगे और आपको ए या ओ ऐसी मात्रा देखने के लिए मिल जाएगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, गुण संधि होगी। देखिए यहाँ पे हिम प्लस आलय यहाँ पर आ की मात्रा दिख रही, इति प्लस आदि यहाँ पर देखिए मात्रा नहीं दिख रहा है। ऐसे भी आप डायरेक्टली देखो ना, यहाँ पे कहीं ए की मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी ए की मात्रा नहीं, यहाँ पर भी ए की मात्रा नहीं, सिर्फ इसमें ए की मात्रा है। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है देवेंद्र में, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण संधि हो जाएगी। आते अगला, देखिए पंचा प्लस पंचामृत है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो पंचामृत की बात करेंगे तो हो जाएगा पंच अमृत है ना। देखिए यहाँ पे पंच प्लस अमृत, इसको जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा पंच प्लस अमृत। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पे बीच में आ की मात्रा दिख रही है जहाँ से टूट रहा है, जहाँ से टूट रहा है अगर वहाँ पर आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, पंचा प्लस अमृत, मतलब पंचपन प्लस अमृत है ना। आगे देखिए अगला है परमार्थ। परमार्थ यहाँ पर भी देखो आ की मात्रा दिख रही, आ की मात्रा देखो जब कभी भी आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, अगर आपको आ बड़ी ई या बड़ा ऊ ये मात्रा दिखे जहां से विच्छेद हो रहा है तो हमेशा इसमें होता है दीर्घ स्वर संधि। तो आपसे पूछा है कि परमार्थ में कौन सी संधि होगी, तो परम और प्लस अर्थ इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला है किस क्रमांक में वाक प्लस ईस का संधि है। देखिए आपसे पूछ रहे किस में वाक प्लस ईस है, देखिए यहाँ पे ना आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि जो इसमें सही है, मैं आपको बता दूं। देखिए अगर वाक प्लस इस, अगर इसकी बात करेंगे वाक प्लस इस, तो ये आपका देखिए ये बन जाएगा वाकेश। वाकेश क्यों बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पे अ है, अ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है ना, तो ये वाकेश बन जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा वाक प्लस इस है ना, तब ये बनेगा वागीस और यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे हलंत लगा होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चार, वागीस। ठीक, चलिए
आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नेक्स्ट। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण ई, देखिए यहाँ पे इसमें कौन सी संधि, तो इसका संधि हो जाएगा, मतलब ये जुड़ के क्या बनेगा, ये हो जाएगा प्रत्यारोपण, है ना, प्रत्यारोपण हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ कौन सी संधि, तो इसका आप कमेंट कीजिएगा इसमें कौन सी संधि है। देखिए दैत्य प्लस अरि, यहाँ पर लास्ट में अ है और अ का मेल अ से हो रहा है ना, अ का मेल अ से हो रहा है, बन जा रहा है आ। आपसे पूछा जा रहा है किसका उदाहरण, तो मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में स्पष्ट किया, जब भी आ बड़ी ई और बड़ा ऊ मिले तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर संधि का। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद होगा। देखिए यहाँ पे ज है ना, अब ये आधा जो ज बना है ये क्या होगा, जो आपका ज बना है ये तीसरा अक्षर है ना, अपने स्पर्श व्यंजन का तीसरा अक्षर है जिस वर्ग में, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सच में ऐसे रहा होगा, सच है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सत प्लस जन है ना, ये त संबंधी नहीं है, मैं त का मेल जब भी तीसरे मतलब स्पर्श व्यंजन के तीसरे अक्षर से होता है तो क्या बन जाता है, ज बन जाते हैं, तो सही ऑप्शन है सज्जन, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया उज्ज्वल का संधि विच्छेद, जैसे सज्जन का, सज्जन का अभी आपने देखा है जस्ट पीछे, सज्जन का क्या बना है सत प्लस जन, है ना, तो एकदम सेम टू सेम वही परिस्थिति यहाँ पर भी है, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट अगला है निम्न में स्वर संधि का प्रकार है। अब देखो स्वर संधि का कितना प्रकार होता है, तो मैंने आपको बता रखा है स्वर संधि पांच प्रकार का होता है, दीर्घ, गुड़ वृद्धि, यड़ और अयादि, ये पांच प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ है, ठीक है ये है, दीर्घ भी है ये भी है, वृद्धि भी है ये भी है, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी, मतलब जितने भी है ना सब स्वर संधि के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड अगला देखिए, इसमें दिया है स्वर संधि, देखिए इनमें स्वर संधि से बना पद है, मतलब कहाँ पर स्वर संधि होगा ये बात आपको देखने है ना। देखिए अब तत् प्लस लीन, यहाँ पे अब स्वर संधि में जब भी देखेंगे ना तो यहाँ बीच में ल नहीं आएगा, तो ये नहीं है, है ना, ये आधा च भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है, शरद प्लस चंद ये भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा दीक्षांत, है ना, दीक्षा प्लस अंत, है ना, दीक्षांत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वर संधि, आपका सही है। चलिए इसमें से एक पद में संधि और समास दोनों है, मतलब आपको ये देखना है कहाँ पर संधि और समास दोनों है। देखिए दिन रात यहाँ पर समास है लेकिन संधि इसका नहीं हो सकता, है ना, पंचवटी इसकी भी संधि नहीं हो सकती, चंद्रमुखी इसकी भी संधि नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर है रामानुज, रामानुज में संधि भी आपको मिलेगा और आपको समास भी मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, देखिए अगले स्लाइड पर यह क्वेश्चन दिया उत श्रृंखल की संधि होगी। अब आपको ये बताना है कि उत श्रृंखल की संधि क्या होगी। देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये जो त है ये परिवर्तित हो जाएगा आधा च और छ में, है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये उत श्रृंखल हो जाएगा, उत श्रृंखल, है ना, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं गंगेश्वर। देखिए गंगेश्वर का संधि क्या होगा, गंगेश्वर की अगर बात करें गंगा प्लस ईश्वर, है ना, गंगा प्लस ईश्वर से मिलकर बनाए। अब आप देखिए जब कभी भी आ या मतलब किसी भी ऐसे समझिए अ या आ का मेल ई से होता है तो ये हमेशा ए में परिवर्तित हो जाता है। ये किस संधि का स्वरूप होता है, ये हमेशा होता है गुड़ संधि, है ना, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़ संधि या गुड़ स्वर संधि, आप जो भी बोले दोनों सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि पवित्र शब्द का विच्छेद होगा। देखिए पवित्र, अब यहाँ पे आप देखेंगे पवित्र का जो विच्छेद होगा ये होगा पु प्लस इत्र, है ना, पू प्लस इत्र सही होगा। अब देखिए ओ और ई मिल करके वह बना लेगा, ये कौन सी संधि है आप इसको कमेंट कीजिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है पू प्लस इत्र, पवित्र का संधि विच्छेद होगा। आगे है यड़ संधि का उदाहरण है ना, अब आपको ये देखना है कि यड़ संधि का उदाहरण अच्छा नहीं है, नहीं है, अब देखिए नहीं है का मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा वो अलग होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे। देखिए यहाँ पे अति प्लस अधिक है ना, अत्यधिक को आप ऐसे लिखेंगे अति प्लस अधिक, यद्यपि है ना, यदि प्लस अपि, फिर प्रति प्लस एक, है ना। देखिए आप यहां पे ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए यहां पर भी लास्ट में ई है, यहां पर भी ई है, सॉरी फ्रेंड्स यहां पर भी ई है, इन तीनों में एक जैसी समानता है ना, जब तीनों में एक जैसी समानता है तो इन तीनों में यड़ रहेगा, इसमें तथा प्लस यू है ना, तो यहाँ पे तथा प्लस यू ये आपका तथ्य है ना, तथ्य में आपका क्या हो जाएगा यड़ संधि नहीं होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगला स्लाइड क्या, अगला स्लाइड आपके सामने स्लाइड नंबर 10। पूछ रहा है प्रत्यर्पण शब्द बना है, मतलब प्रत्यर्पण किससे बना है, तो देखिए अगर प्रत्यर्पण
की बात करेंगे, प्रत्यारोपण, तो इसमें इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण, है ना, प्रति प्लस अर्पण इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, गिरीश में कौन सी संधि, देखिए फिर से आप पुराना नियम याद करिएगा, देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई, मतलब यहाँ पे बड़ी ई, देखो ई और ई मिल करके ये बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, जब भी बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगा। जब कभी भी आप संधि विच्छेद कीजिए, अगर आपको आ बड़ी ई और बड़ा ऊ इसमें से कोई भी मात्रा देखने के लिए मिल जाए तो आप हमेशा किस संधि की ओर जाएंगे, दीर्घ संधि की ओर, ठीक। अगर कभी ए या ओ ये मात्रा देखने के लिए मिल रहा है तो आप गुण संधि की ओर जाएंगे, ठीक। ए और ओ ये देखने के लिए मिल रहा है तो आप जाएंगे वृद्धि संधि की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने ये पूछा है, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, देखिए स्वागत का जो संधि विच्छेद है ये होगा सु प्लस आगत, है ना, सु प्लस आगत रहेगा तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा सु प्लस आगत, ऑप्शन नंबर एक। देखिए आगे दिया है, यदि ए ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर अय आय अव आव, है ना, यहाँ पे अय रहेगा, ठीक है, अय आय अव आव हो जाता है, इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अय आय अव और आव, है ना, अगर इसमें देखा जाए कौन सी संधि बनती है, देखिए अय आय अय आय अव आव, इसका आंसर क्या होगा आप इसको ना कमेंट कीजिएगा, आपने क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि इसका ये कब ऐसे बनता है, ठीक है, तो आप इसके आंसर को कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर मैं कमेंट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 में पूछा है महेंद्र में कौन सी संधि होगी, देखिए महेंद्र, है ना, महा प्लस इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद है, अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सी संधि होगी, देखिए कौन सी संधि होगी, अगर इसकी बात करेंगे बीच में ए की मात्रा दिख रही है, जब भी ए की मात्रा दिखेगी तो हमेशा क्या होगा गुण स्वर संधि होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले स्लाइड अगले प्रश्न पर आते हैं, एकाएक, देखिए एक प्लस एक, है ना, एकाएक होगा, मात्रा कौन सा दिख रहा है, ए या फिर औ, अगर ए या औ मात्रा दिखेगा तो हमेशा वृद्धि स्वर संधि होगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, अगला स्लाइड है गिरीश में कौन सी संधि है, देखिए गिरीश, गिरी प्लस ईस, है ना, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, हमेशा दीर्घ स्वर संधि रहेगा। आगे है महा प्लस उदय का संधि है, देखिए महा प्लस उदय, अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जब भी अ या आ का मेल ऊ से होता है तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है ओ में, है ना, ओ में बदल जाएगा, तो देखिए महा प्लस उदय ये हो जाएगा महोदय, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आई, है ना, अनु प्लस आई ये अन्वय का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन पहला सही है। आगे है इसमें से स्वर संधि से बना पद है, मतलब किसमें स्वर संधि है, देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है ना, ये स्वर संधि वाला प्रश्न रिपीटेड है, आपने पीछे देखा था इसमें तल्लीन नहीं होगा, विच्छेद नहीं होगा, शरच्छंद नहीं होगा, दीक्षांत होगा। अच्छा अगर आपसे कभी ये पूछ ले बताइए इनमें कौन सी संधि, जो मतलब रुके मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसका आंसर ये हो गया, अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे कि तल्लीन में कौन सा संधि है, तो ये व्यंजन संधि है, विच्छेद व्यंजन संधि है, शरच्चंद्र ये भी व्यंजन संधि है, ठीक। चलिए आते नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड में दिया किस शब्द में गुण संधि है, अब गुण संधि की बात कर रहे हैं तो गुण संधि में आपको हमेशा क्या मिलेगा, देखिए हमेशा ए या फिर ओ इसकी मात्रा देखने के लिए मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे लघुर्मी ए की मात्रा नहीं है, है ना, भारतेंदु ए की मात्रा ये हो सकते हैं, आगे पढ़ते नारीश्वर नहीं है, देखिए लौस्वर इसमें भी नहीं, तो इसमें भारतेंदु इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपसे ये पूछता देखिए बड़ा ऊ दिख रहा है, बड़ा ऊ का मतलब दीर्घ स्वर होगा, इसमें देखिए बड़ी दिख रहा है मतलब ये भी दीर्घ होगा, है ना, और इसके बाद ये आपका व्यंजन होगा सॉरी व्यंजन बोल रहे ये भी स्वर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहे हैं, तो पवन का संधि विच्छेद पु प्लस, है ना, ये पवन का संधि विच्छेद होगा, है ना, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास रही, देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन को हल किया है ना, अब इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने संधि के क्लास को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी
टॉपिक वाइज हिंदी नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, आप उस लिस्ट को देखिएगा, उसमें से संधि के पूरे क्लास को कर लीजिएगा, फिर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो एग्जाम है UPPSC, BPSC, RO, UP SSC, संधि से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट के बाद ही हम लोगों ने प्रैक्टिस क्लास डन किया है, ठीक। तो ये प्रैक्टिस क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए गए आप इसको कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, किसी ने किसी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनाए, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।